Assalamu alaikum. Today we shall discuss about another very important topic, that is impacts of invasive species. अब invasive species क्या होती है, इसके लिए आपका जो last lecture था हमारा exotic species, वो समझना और जानना बहुत जरूरी है. उसका link मैं description में दे दूंगा, तो kindly वो देख लीजिएगा. So we shall discuss this topic with the help of MCQs. We shall discuss the topic of invasive species under the following headings, like invasive species as predators and grazers, and as parasites and pathogens, and as competitors, and as a hybridization phenomenon, and lastly effect of invasive species on an ecosystem. Question 1. In East Africa's Lake Victoria, over dead fish species were extirpated following a population explosion of the exotic Nile perch. उसमें कहा यह गया है कि there is a lake called as Lake Victoria. वहां पर बहुत सारी फिशेज थी जो कि नेटिव थी इस लेक की. जब वहां पर नाइल पर्च वॉज इंट्रोड्यूस्ड, नाइल पर्च जो है डेट इज बेसिकली ए फ्रेश वाटर फिश. नाइल पर्च को हम अफ्रीकन स्नोक भी कह रहे होते हैं. उसको इंट्रोड्यूस किया गया, जिस वजह से जो लोकल जो फिशेज थी वो खत्म होना शुरू हो गई. तकरीबन 200 जो लोकल फिशेज थी वो खत्म हो गई. अब इट मीन्स कि जो नाइल पर्च डेट एग्जॉटिक स्पीशी, ऐसी एग्जॉटिक स्पीशीज जो कि किसी और इकोसिस्टम को खत्म कर दें या कंपीट करें, उन्हें कहा जा रहा था एग्जॉटिक इनवेसिव स्पीशीज. इनवेसिव ऐसी स्पीशी कहा जा रहा होता है डेट इनवेड एन इकोसिस्टम, जो इकोसिस्टम पर हमला कर दें. अब इस नाइल पर्च ने इस इकोसिस्टम पर बेसिकली अटैक किया, जिस वजह से फिर जो लोकल फिशेज थी वो एक्सटर्पेटेड हो गई, मतलब वहां से खत्म होना शुरू हो गई. अब इसमें एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं, लाइक देयर इज एन आइलैंड कॉल्ड एज न्यू गिनी, और उसके साथ साथ एक कंटिनेंट भी है ऑस्ट्रेलिया. वहां से देयर इज अ स्नेक कॉल्ड एज ब्राउन स्नेक डेट वॉज इंट्रोड्यूस्ड अदर आइलैंड कॉल्ड एज गुएम. वहां जब इंट्रोड्यूस किया गया तो इस ब्राउन स्नेक ने क्या किया, वहां पर 18 बर्ड्स की स्पीशीज थी, उनमें से 11 को ग्रेजुअली खत्म कर दिया. और डेट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ब्राउन स्नेक, इज अ टाइप ऑफ इन्वेसिव स्पीशी. सो इस क्वेश्चन में राइट आंसर ऑप्शन आ रहा होगा, डेट इज बीटा 200. क्वेश्चन 2. ह्यूमन डिजीज लाइक स्मॉल पॉक्स एंड मीजल्स आर द रिजल्ट्स ऑफ डैश पैथोजेंस. गिवन ऑप्शंस दी गई है, इसमें राइट ऑप्शन आएगी डेल्टा. एग्जॉटिक इट मीन्स कि ये भी जो इंट्रोड्यूस किए गए हैं ये लोकली नहीं हुए, ये फिर इंट्रोड्यूस ही किए गए हैं एज एन एग्जॉटिक इनवेसिव स्पीशीज. दी द एग्जांपल्स ऑफ एग्जॉटिक स्पीशीज आर, अल्फा ऑप्शन इज ज़ेब्रा मसल्स एंड बीटा इज वाटर हाइसिंथ. चार्लीज बोथ, तो राइट ऑप्शन आ रहा होगा डेट इज चार्ली बोथ. अब इसमें ज़ेब्रा मसल्स लिए कहा जा रहा होता है, मसल्स कहते हैं जिनका ताल्लुक होता है फालम मोलस्का के साथ. अब इसमें जैसे ज़ेब्रा के ऊपर लाइंस बनी होती हैं, तो इस मसल से भी लाइंस नजर आ रही होती हैं हमें. क्वेश्चन 4. डच एंड अमेरिकन मिंक फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका हैव डिस्प्लेस रेड स्कल्स एंड यूरोपियन मिंक फ्रॉम लार्ज एरियाज ऑफ यूरोप. इसमें हम पिक्चर देखते हैं नजर आता है यहाँ पर एक ग्रे स्कल जिसका ताल्लुक है नॉर्थ अमेरिका के साथ, और जिस वजह से रेड स्कल जिसका ताल्लुक है यूरोप के साथ. ग्रेजुअली क्या किया गया, जब ग्रे स्कल को इंट्रोड्यूस किया गया यूरोप के अंदर, तो ग्रे स्कल हैज रिप्लेस्ड दिस रेड स्कल. अब इस तरह हम और भी देख सकते हैं बहुत से एग्जाम्पल, जैसे कि जो एंट्स हैं दे आर बींग इंट्रोड्यूसिंग फ्रॉम वन एरिया टू अदर एरिया एंड दे ऑल्सो एक्ट एज एग्जॉटिक स्पीशीज. और इसी तरह हम हनी बीज के एग्जाम्पल ले सकते हैं, हनी बीज आर ऑल्सो बींग इंट्रोड्यूसिंग फ्रॉम वन एरिया टू अदर एरिया एंड दे एक्ट एज पोलिनेटर्स. पर प्रॉब्लम इसमें ये आ रही होती है कि जो हनी बीज हैं इनकी मॉर्फोलॉजी और बिहेवियर डिफरेंट होता है फ्रॉम द लोकल पोलिनेटर्स, जिन पोलिनेटर्स की वजह से वो प्लांट्स इवॉल्व हो चुके हुए हैं. बहरहाल यहाँ जो गिवन ऑप्शंस दी गई हैं, इसमें राइट ऑप्शन आ रहा होगा चार्ली ग्रे स्कल्स. क्वेश्चन 5. सम डैश स्पीशीज आर सो क्लोज रिलेटेड टू अ नेटिव स्पीशीज दैट कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस हाइब्रिड्स. अब इससे मराज ये है कि जब एक लोकल एरिया है वहाँ पर एक और स्पीशी को इंट्रोड्यूस करवाया गया, पर जो स्पीशी इंट्रोड्यूस की गई थी इनवेसिव स्पीशी डैट रिजेंबल्स विद द लोकल स्पीशीज, डैट्स पर दोनों आपस में क्या कर सकते हैं, इंटरब्रीड.
इंटरब्रीड के तरीके में जो जानवर बनेंगे उसे हम कहेंगे हाइब्रिड। एग्जाम्पल देखना चाहे तो यहाँ पे नजर भी आ रही है, दिस वन इज अ डक कॉल्ड लेस मुलार्ड डक। इसका जो बैक पार्ट है वो व्हाइट होता है और फ्रंट पार्ट किसी हद तक ब्लैक होता है। और दूसरी डक जो है डेट्स अ लोकल डक, इसका कलर होता है ब्लैक, दैट्स इज कॉल्ड अ ब्लैक डक। उससे जानवर जो बनेंगे वो डेफिनेटली भी बन रहे होंगे अल्टीमेटली हाइब्रिड्स। सो यहाँ पर जो ऑप्शन दी गई है इसमें राइट ऑप्शन आ रहा होगा डेल्टा इंट्रोड्यूस्ड। नाइल पर्ड्स इन्वेजन ऑफ टेस्ट डिस्टरप्टेड द ट्रॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ द लेक एंड दैट रैबिट्स एंड गोर्स ऑन राउंड आईलैंड प्रेसिपिटेटेड सॉइल इरोशन दैट प्रोफाउंडली डिग्रेडेड द आईलैंड इकोसिस्टम। इसमें जो गिवन ऑप्शन दी गई है उसमें राइट ऑप्शन आ रहा होगा बीटा विक्टोरिया लेक। सेवन डैश एक्सोटिक प्लांट्स कैन आल्टर द सॉइल केमिस्ट्री ऑफ द एनवायरमेंट दे इनवेड। इसमें गिवन ऑप्शन दी गई है राइट ऑप्शन आ रहा होगा डेल्टा, डेट इज फिक्सिंग। एंड दैट वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। इफ यू लाइक द लेक्चर काइंडली हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अपना ख्याल रखिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अल्लाह हाफिज़।